Hello students, welcome in our geography class. Today we are going to continue chapter 3. The name of the topic is population growth. Students, the meaning of population growth is the change in the size of population. The change in the size of population of a geographical area in a given interval of time. That is called population growth. क्या होता है बच्चों मतलब population growth का? Change in size. पॉपुलेशन की साइज में चेंज आना और पॉपुलेशन ग्रोथ का पता हम किसी एग्जैक्ट ज्योग्राफिकल एरिया का और किसी गिवन टाइम इंटरवल का ही लगा सकते हैं, यानी कि किसी टाइम इंटरवल में जो किसी ज्योग्राफिकल एरिया में रहने वाली जो पॉपुलेशन है उसमें जो भी चेंजेस आते हैं दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ. एट प्रेजेंट मेनली द पॉपुलेशन ग्रोथ इज विजिबल एट द नेशनल लेवल and due to which population change is considered to be synonymous with population growth. हम आजकल population growth को national level पर देख रहे हैं और इसी की वजह से इसको population growth को population change का synonymous मानते हैं, समान अर्थी मानते हैं, यानी कि दोनों का ही meaning क्या है बेटा, same है. Population change does not pay attention to positivity and negativity of the population growth. यहाँ हम जो population change की बात कर रहे हैं ये पॉपुलेशन का बढ़ना या पॉपुलेशन का घटना नहीं है, बल्कि हम यहाँ पर जो भी एंटायर पॉपुलेशन ग्रोथ है उसकी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के अलावा हम टोटल पॉपुलेशन जो है उससे भी रिलेट कर रहे हैं. तो द पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय बोथ एज टोटल नंबर और एज एन परसेंटेज टू. हम पॉपुलेशन ग्रोथ को नंबर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो यहाँ पर बात आती है बच्चों कि हम डिटरमाइन कैसे करें, हाउ कैन वी डिटरमाइन द पॉपुलेशन ग्रोथ. तो फॉर डिटरमाइनिंग द टोटल ग्रोथ और एब्सोल्यूट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वी नीड द टू डेटास, वी नीड द टू सेंसस डेटास. हियर आर टेबल गिवन टू एक्सप्लेन दिस. See here two datas are given, but one is belongs to 2001 census and another one is 2001. अगर हमको किसी भी एरिया का किसी भी रीजन का पॉपुलेशन ग्रोथ पता लगाना है तो हमें उसके दो डेटास चाहिए, एक डेटा जो न्यू हो और एक डेटा जो ओल्ड हो. और फिर हम न्यू डेटा में से ओल्ड डेटा को सब्जेक्ट करके एब्सोल्यूट ग्रोथ पता कर सकते हैं. बिल्कुल ऐसे देखिए 2001 में से हमने 2001 को हमने 2011 में से सब्ट्रैक्ट किया और हमें पता चल गया एब्सोल्यूट ग्रोथ का, राइट. 2011 का डेटा नया था, ठीक है, इस डेटा के अकॉर्डिंग. अभी अगर हम बात करें, मान लीजिए हमको पता लगाना है हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है और हमें टू पीरियड ऑफ सेंसस पता है, हमें 2013 का पता है कि देयर आर टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन लिव्स ऑन द इन द वर्ल्ड इज 714 करोड़ इन 2013, राइट. वेयर एज इन 2001 द नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज 672 करोड़. तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2013 के डेटा में से यानी कि 714 में से 2001 के डेटा को 672 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमें मिल जाएगा हमारा एब्सोल्यूट ग्रोथ, राइट. अब अगर हमारा एब्सोल्यूट ग्रोथ आ गया है और हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है. हमें जो प्रीवियस डेटा है उसमें से जो एब्सोल्यूट ग्रोथ आया है उसको डिवाइड करना पड़ेगा और फिर हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सिंपल. सी यहाँ पर 18.3 क्या है, ये हमारा एब्सोल्यूट ग्रोथ आया है और हमारा प्रीवियस डेटा क्या था, 2001 का था, दैट इज 102.7 एंड इट्स मल्टीप्लाइड बाय 100, देन वी गेट द पॉपुलेशन ग्रोथ इन परसेंटेज, दिस इज 17.81%, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट डिकेडल ग्रोथ द पीरियड ऑफ 10 इयर्स, बट नाउ वी वांट टू नो द एनुअल ग्रोथ. अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमें जो डिकेडल ग्रोथ आया है उसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा
और जब हम जो डिकेडल ग्रोथ है उसको 10 से डिवाइड करते हैं तब हमारे पास आ जाता है एनुअल ग्रोथ, एंड द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन इज 1.78. सिंपल, होप यू अंडरस्टैंड राइट. नाउ वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, ये तो हमने समझ लिया कि हम कैसे कैलकुलेट करें बेटा पॉपुलेशन ग्रोथ को. अब हम यहाँ जानते हैं कि पूरे एंटायर वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसका क्या सिस्टम है. क्या पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो एक ही इवन पैटर्न पे था? बिल्कुल भी नहीं. देयर हैज बीन अ स्टेडी इंक्रीज इन द पॉपुलेशन विद द स्पेशियल रिलेशन, एंड इन प्री हिस्टोरिक टाइम द पॉपुलेशन ग्रोथ वॉज वेरी स्लो बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन, बिकॉज ऑफ नॉमेडिक लाइफ एंड मिनिमम न्यूट्रिशन सप्लाई. दीज आर सम ऑफ द फैक्टर विच इज रिलेट विद द स्लो ग्रोथ रेट इन द प्री हिस्टोरिक टाइम. हमारा जो प्री हिस्टोरिक टाइम है, जो अर्लियर एजेस हैं, उस समय में पॉपुलेशन ग्रोथ जो था काफी स्लो था क्योंकि उस समय हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन थी, ह्यूमन सेटल्ड नहीं था, ही लिविंग नॉमेडिक लाइफ, ही सर्चिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ही इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्चिंग ऑफ फूड. सो ड्यू टू दीज फैक्टर्स द रेट, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट is very slow. But then with the animal rearing and domesticating and even start, when he start agriculture, then the period of growth started. कब growth होना शुरू हुआ? जब human ने settled life जीना शुरू किया, जब human food gatherer से food producer बना. और जैसे ही वो फूड प्रोड्यूसर बना उसने सेटलमेंट शुरू कर दिया. ही स्टार्ट सेटलिंग नियर द रिवर वैली एरियाज, एंड ड्यू टू द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट फूड सप्लाई इंक्रीज देयर बाय इनफ न्यूट्रिशन. और अब उसका न्यूट्रिशन काफी इंक्रीज हुआ विच कुड बी ऑब्टेन्ड. नाउ इन कोर्स ऑफ टाइम ह्यूमन लाइफ बिगिन टू अडैप्ट देमसेल्फ विद वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशन. अर्लियर व्हाट हैपेंड, ड्यू टू द हार्श climatic condition people are not able to survive, so the growth rate is very slow, right. पहले क्या होता था बच्चों कि पहले climatic condition बहुत harsh थी और इसमें survival के chances human के बहुत ही less थे. लेकिन जैसे जैसे human ने settled life शुरू की तो उसका food supply जो था वो increase हुआ, और जब उसे regular food मिला तो उसका जो न्यूट्रिशन लेवल था वो इंक्रीज हुआ, और उसने फिर धीरे धीरे एनवायरनमेंट के साथ में क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ में अपने आप को अडेप्ट करना शुरू कर दिया. एंड इवन ह्यूमन स्टार्ट डेवलपिंग द एबिलिटी टू स्टैंड और टू लिव इन द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन टू, राइट. सो नाउ द ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. अब हमने यहाँ ये तो समझ लिया कि एक समय के साथ में एक ह्यूमन के लिविंग पैटर्न में चेंज होने के साथ में पॉपुलेशन ग्रोथ होना शुरू हुआ. लेकिन आपको क्या लगता है, या ये पॉपुलेशन ग्रोथ एक ही स्पीड से आगे बढ़ा होगा? क्या स्टार्टिंग में ही ऐसा हुआ होगा कि पहले 2 लोग थे, फिर 4 हो गए, फिर 8 हो गए? ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये एक ट्रेंड के साथ आगे बढ़ा. हमने टाइम के अकॉर्डिंग हमें यहाँ समझना है कि किस तरीके से पॉपुलेशन में चेंजेस रिकॉर्ड किए गए. बेटा ये जो डबल होना है होता है, जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है, उन सब का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है. तो चलिए देखते हैं क्या हुआ. सो द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ ह्यूमन ऑन द अर्थ इज नॉट मच ऑथेंटिक. एक तो पहली बात ये है कि ह्यूमन का अराइवल अर्थ पे कब हुआ है इसके बारे में हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है. कोई भी हमारे पास ऐसे डेटाज नहीं है जो ये प्रमाणित कर दे कि हाँ बस इसी वक्त ह्यूमन का अराइवल हो गया था. तो बिफोर 18th सेंचुरी द कैलकुलेशन ऑफ पॉपुलेशन वॉज बेस्ड ऑन टोटल बेस्ड ऑन एस्टिमेशन. 18th सेंचुरी के पहले जब तक हमने पॉपुलेशन को कैलकुलेट करना शुरू नहीं किया था
जब तक सेंसस रिकॉर्ड नहीं हुए थे। आपको पता है पहला सेंसस रिकॉर्ड कब हुआ था? 1881 में। और उससे पहला जो भी कुछ पॉपुलेशन में चेंजेस आए हैं अर्लियर टाइम पे, दैट इज ऑल बेस्ड ऑन एस्टिमेशन, ह्यूमन ने अनुमान लगाया है। एंड इट इज सपोज दैट द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन ऑन अर्थ हैड हैपेंड 10 लाख ईयर्स अगो। माना जाता है, सपोज किया जाता है कि ह्यूमन का जो अराइवल है अर्थ पर वो आज से 10 लाख साल पहले का है। एंड एट दैट टाइम द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन वॉज ओनली अ फ्यू थाउजेंड ऑन अर्थ। और 10 लाख साल पहले जब ह्यूमन अराइव हुआ था बच्चों, तभी माना जाता है कि सिर्फ कुछ हजार पॉपुलेशन रहा होगा पूरे एंटायर अर्थ पर। बट द टाइम पीरियड ऑफ स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी डिवाइडेड, है ना? सो हियर अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड वी डिवाइडेड द डिविजन, वी डिवाइडेड द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड द फर्स्ट फेज इज कॉल्ड प्री हिस्टोरिक फेज और प्री हिस्टोरिक पीरियड। And this period it shows the beginning of the period that considered form the age of food gathering and hunting. ये period जो था prehistoric, ये कौन सा समय था? जब human hunter और food gatherer था। It means the hunting and the food gathering was the earlier activities which is done by the earlier human. And these activity done only on the land part in the prehistoric age. After the decrease of ice on continents, it is imagined that human extension took place on Africa, Australia, South Europe, Southwest and East Asia. जैसे जैसे पहले क्या था बेटा, आइस एज के बारे में आपने सुना होगा, एक पीरियड ऐसा आया था कि अर्थ पूरा आइस से कवर्ड हो गया। तो जैसे जैसे आइस एज खत्म हुआ, वैसे वैसे ये जो प्रीहिस्टोरिक टाइम के जो अर्लियर ह्यूमन थे, इन्होंने स्टार्ट किया सेटलमेंट कहाँ पर? कॉन्टिनेंटल एरियाज पर। और लगभग हर कॉन्टिनेंट में ये ह्यूमन इसका जो एक्सटेंशन है मिलता है। अफ्रीका में अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ यूरोप, साउथ वेस्ट और ईस्ट टू एशिया है, यहाँ पर ह्यूमन जो है वो सबसे पहले काउंट किया गया, उसका प्रेजेंस सबसे पहले शो हुआ। And America is the land where no human arrival is found. America पे तो था ही नहीं। America में तो human का arrival जो है वो 15th century से शुरू हुआ, और उससे पहले American land जो था वो totally without human less था। So before presence of human on American land, 43 lakh people lived on the earth. Can you imagine that? And in course of time after 15,000 years, it increased to 53 lakh. America में जो population आया उससे पहले जो estimated count था human का पर वो nearly 33 lakh था, और 15,000 सालों में ये जाकर के increase हुआ 53 lakh. And it is estimated the average population density was 0.04% per square kilometer of the world. During this period, क्या estimate किया गया कि average population density जो है world की वो कितनी हुई? 0.04% per square kilometer. This is all about the data related to the prehistoric time. Now come to the ancient period. In ancient period, man started agricultural and cattle rearing at some limited part of land. Ancient period में man ने एग्रीकल्चर करना और कैटल रियरिंग करना शुरू किया, और लैंड के बहुत ही लिमिटेड हिस्से पर, बिफोर 6000 इयर्स अगो फ्रॉम प्रेजेंट। एंशियंट पीरियड कौन सा था? अगर हम आज से कंसिडर करें तो हम आज से 6000 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो इन दिस वे ह्यूमन सिविलाइजेशन फ्लरिश इन मेनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, राइट? और यही है जिसे हम ह्यूमन सिविलाइजेशन मान सकते हैं, यानी कि पूरे हर हिस्से में बोल के 6000 साल पहले ह्यूमन का सिविलाइजेशन शुरू हुआ। अलोंग विद एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स आल्सो स्टार्टेड, और यही वो समय है जब टाउनशिप शुरू हुई थी। एंड इन द बिगनिंग ऑफ क्राइस्ट टाइम द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज एस्टिमेटेड टू बी 20 to 30 करोड़।
जब क्राइस्ट टाइम का बिगनिंग था तब टोटल जो पॉपुलेशन है वो 20 से 30 करोड़ एस्टिमेट की गई. एंड इन दिस वे इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ईस्ट एशिया, ग्रीक, रोमन एम्पायर, मेसोपोटामिया, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन एंड इजिप्ट वर द रीजंस हैविंग द लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल. दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सिविलाइजेशन. ये जो 20 से 30 करोड़ लोग थे वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड थे? ये डिस्ट्रीब्यूटेड थे ईस्ट एशिया, ग्रीक, रोमन एम्पायर में, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वाले एरियाज में, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन, इजिप्ट मींस नाइल वैली वैली रिवर सिविलाइजेशन. दीज आर सम ऑफ द रीजंस विच हैविंग द पॉपुलेशन कवर, राइट? Now, the new age started, and this period, this age is referred to medieval period. And according to history, it is the time period between 700 AD to 1650 AD. So, in 1650, the total population of the world was estimated 55 crore. कितना estimate किया गया? कि 1650 में जो world का entire population था वो 55 करोड़ तक पहुंच गया. एंड इन दिस टाइम ग्रोथ रेट वॉज वेरी स्लो, बट इन सम कंट्रीज इट वॉज हाई. 1650 तक जो ग्रोथ रेट था, अगर हम एंटायर वर्ल्ड की बात करें तो ग्रोथ रेट काफी कम था, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी भी थी जहां पर ग्रोथ रेट बढ़ रहा था. एंड आफ्टर दिस टाइम देयर वॉज डिक्रीज इन पॉपुलेशन. वापस से 1650 के बाद में एक बार फिर से पॉपुलेशन में डिक्रीज देखा गया. और उसके रीजंस क्या थे बेटा? फ्लड्स, फैमिन्स, एपिडेमिक्स एंड वॉर्स आर द बेसिक रीजन बिहाइंड द पॉपुलेशन डिक्रीज, राइट? देन द न्यू एरा कम्स, देन द न्यू पीरियड कम्स, एंड दिस पीरियड रेफर्स टू द मॉडर्न पीरियड. फ्रॉम द मिडल ऑफ द 17th सेंचुरी इट इज कंसिडर्ड टू बी द बिगनिंग ऑफ मॉडर्न टाइम. 17th सेंचुरी के मिडिल से हम कंसिडर करते हैं कि अब बिगनिंग हो गई थी एक नए समय की, और ये समय था मॉडर्न पीरियड. इन 1750 इट इंक्रीज टू 72 करोड़. अभी 1650 तक जो पॉपुलेशन एस्टिमेट की गई थी 55, उसमें बढ़ करके कितनी इंक्रीमेंट हुई? अब पॉपुलेशन 72 करोड़ हो गई थी 1650 में. 55 100 साल और ऐड किए तो 72 करोड़. 1850 में ये 133 करोड़ हो गए. 1950 में ये डबल हो गई, लगभग 251 करोड़. 2000 में एस्टिमेट हुई 610, और 100 करोड़ बढ़ करके 714 में पहुंच गई इन द ईयर 2013. एंड द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज बीन शोन इन 3.9 फिगर. सी द फिगर. द ग्राफ 3.2 हियर शोज द पॉपुलेशन इन करोड़ एंड द ईयर. अकॉर्डिंग टू ईयर द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, राइट? सो स्टूडेंट्स, देयर आर सेवरल फैक्टर्स विच अफेक्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ, एंड these factors are basically responsible in the highly increasing in the population, highly increase in the population. So the trend of population growth in the world shown that the population growth has taken place in all the continents, but the rate of growth of population is not uniform. यहाँ पे हमने trend देख करके एक चीज तो एक concept तो clear हुआ कि population जो है वो बढ़ रही है, लेकिन इस पॉपुलेशन के बढ़ने का जो ग्रोथ रेट है वो यूनिफॉर्म नहीं है हर कॉन्टिनेंट पर. कहीं पर पॉपुलेशन कवर ज़्यादा है और कहीं पर पॉपुलेशन का कवर जो है, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है उसका रेट स्लो है. तो ड्यूरिंग 99% पीरियड ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ द पॉपुलेशन ग्रोथ इज एक्सट्रीमली लो. अगर हम एंटायर समय को अभी से कंसिडर करें तो 99 जो परसेंट है अभी के समय का, अब तक के समय का, तब तक ह्यूमन का जो पॉपुलेशन है बच्चों वो बहुत ही कम था, उसका रेट भी काफ़ी कम था. लेकिन अगर हम अभी से पिछले 350 साल की बात करें
The population of the world has increased with high growth rate. And if we are considered only 50 years, then many countries of the world are in the population explosion stage. अगर हम 350 साल पीछे तक की बात करें तो ग्रोथ रेट इंक्रीज हो गया था, लेकिन हम लास्ट 50 इयर्स या लास्ट 100 इयर्स की बात करें तो बहुत सारे ऐसे नेशंस मिल जाएंगे आपको जहां पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बन गई। आखिर वो क्या रीजंस हैं जिससे अचानक से जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन ग्रोथ है उसका ग्राफ इतना हाई चला गया? तो द फर्स्ट रीजन इज डिक्लाइन इन डेथ रेट। द फर्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ इज डिक्लाइनिंग डेथ रेट, क्योंकि डेथ रेट लगातार डिक्लाइनिंग है वर्ल्ड का, यानी कि डेथ कंट्रोल कर लिया है वर्ल्ड में। अगर हम लास्ट 50 इयर्स की बात करें, वी ह्यूमन अचीव लॉट्स ऑफ साइंटिफिक मेथड्स एंड ड्यू टू दीज साइंटिफिक अचीवमेंट द एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज also achieved by human being. It means man having the power to control the contagious, man having the power to control the contagious diseases and epidemics by these scientific facilities. आज human क्या है, आज human इतना ज्यादा scientific हो गया है कि उसके पास epidemics से लड़ने की, खतरनाक जो महामारी वाली बीमारियां हैं उनसे बचने की काफी सारे ट्रीटमेंट, काफी सारी क्योर्स, काफी सारी फैसिलिटीज डेवलप कर चुका है, और इसी वजह से डेथ रेट जो है वो कंट्रोल हो गई है। पहले क्या होता था, पहले कोई छोटी सी भी बीमारी जो थी बच्चों वो महामारी में कन्वर्ट हो जाती थी, और लार्ज स्केल पर डेथ होती थी। और इसीलिए अगर आप अभी की तुलना करेंगे पिछले समय से, तो पहले घरों में एक मदर के बहुत सारे बच्चे होते थे। आप भी अगर देखेंगे तो आपकी मम्मी के जो नाना वगैरह हैं, नाना जी दादा जी, उनके बहुत सारे भाई बहन मिलेंगे, और आपको सुनने को भी मिलेगा कि उन बहुत सारे लोगों ने सर्वाइव भी नहीं किया, क्योंकि पहले जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो बहुत ही कम थी। लेकिन जब हमने साइंटिफिक डेवलपमेंट किया तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो इंक्रीज हो गई, और फिर डेथ रेट डिक्लाइन होने लगी, राइट? सेकंड थिंग, सर्टेनिटी इन सप्लाई ऑफ फूड। पहले सर्टेनिटी नहीं थी, पहले रेगुलर फूड नहीं मिलता था, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्री हिस्टोरिक टाइम। बट व्हेन ह्यूमन स्टार्ट सेटलिंग एट अ प्लेस एंड ट्रांसफर इन टू फूड गैदरर टू फूड प्रोड्यूसर, the regular supply of food grains and other food items is on the regular basis, is fine on the regular basis, right? And even if we are talking about the previous ages, not very far, but bas we are agar hum log baat kare, if we are talking about the period after 18th century, after 19th century, the human generate or human explore several kind of mechanical and intensive farming methods, and due to these facilities, human expanded the production. Human use modern fertilizers and modern equipment in the agriculture. It means high yielding of variety seeds and chemical fertilizers, manure, hybrid seeds, etc., irrigation facilities. It advanced the food production, and due to the food production, due to the regular food production, the regular food supply is possible. And also, earlier some land area having natural disasters too, number of famines have also decreased day by day. So these are some of the concepts, some of the factors which affect the population. Then come to the industrial development. Ab human jab scientific hua hai to uske piche ka kuch reason to hoga, right?
और वो रीजन क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ह्यूमन जो है 19th सेंचुरी में, आफ्टर 18th सेंचुरी ह्यूमन स्टार्ट गेटिंग द डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। ह्यूमन अचीव्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन माइनिंग एनर्जी प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज ट्रांसपोर्टेशन ट्रेड टेक्नोलॉजी दीज आर हैपन एंड दे हैव ब्रॉट ऑल अराउंड द डेवलपमेंट इन एवरी फील्ड। जब ह्यूमन ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया तो उस रेवोल्यूशन का असर हर फील्ड पर देखने को मिला, चाहे वो प्रोडक्शन था, चाहे एग्रीकल्चर था, चाहे सर्विस सेक्टर था। और जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, ड्यू टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज एंड ह्यूमन स्टार्ट गेटिंग द नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। He improved his living system, right? और जब ह्यूमन का लिविंग सिस्टम इंक्रीज होगा तो उसका असर पॉपुलेशन पर मिलेगा। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज, न्यू इन्वेंशन हैव मेड ह्यूमन लाइफ ईजियर एंड कम्फर्टेबल। दिस इज ऑल्सो इंक्रीज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। नए नए इन्वेंशन जो हुए हैं ह्यूमन ने जो किए हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन, उनकी वजह से आज ह्यूमन की लाइफ जो है काफ़ी ईजियर एंड कम्फर्टेबल हो गई है। अब आप सोचेंगे क्यों? पहले क्या होता था, जब एक महिला माँ बनती थी तो उसकी डिलीवरी घर पे होती थी और काफ़ी दर्दनाक हुआ करता था, ये सब काफ़ी ट्रबलिंग था। लेकिन साइंटिफिक डेवलपमेंट से अब बेबी को बर्थ देना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। पहला ये, मैंने अभी पहले बताया कि पहले नंबर ऑफ चिल्ड्रन होते थे क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा नहीं थी, पर जैसे जैसे साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो गई, अब ज्यादा लंबे समय तक लोग जीते हैं। तो जितने भी बच्चे हुए सबने सर्वाइव किया। So these are some of the reason how population increase. Peace and security, due to the establishment of peace and security. See, listen, after 1650, once again the population declining due to the natural disaster and due to the human negative factors like wars. बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ वगैरह सब कुछ हुई, wars हुए और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ उसके बाद 1945 के बाद सबने डिसाइड कर लिया, हर कंट्री ने डिसाइड कर लिया दैट वॉर इज नॉट गुड फॉर एनीवन, नॉट फॉर ह्यूमन एंड नॉट फॉर नेचुरल एनवायरनमेंट टू। So due to the establishment of peace and security in the world, it has extended and boosted up the development and helps population growth too, right? Now migration. Migration also a kind of factor which affect the population growth. Due to the high birth rate compared to the death rate, the population begin to increase. Agar hum log ek baar dekhen, there are some components which affect the population growth. And these three components are birth rate, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। तो अगर हम लोग बर्थ रेट को कंपेयर करें डेथ रेट से तो पॉपुलेशन इंक्रीज मानेंगे। अगर बर्थ रेट ज्यादा है डेथ रेट कम है तो पॉपुलेशन बढ़ रही है। दूसरा फैक्टर है माइग्रेशन। ह्यूमन के माइग्रेशन की वजह से भी पॉपुलेशन में चेंजेस आते हैं। अमेरिका इज द कॉन्टिनेंट वेयर नो वन कैन लिव बिफोर 15th सेंचुरी, बट आफ्टर दैट, आफ्टर द डिस्कवरी बाय द कोलंबस, द अमेरिका स्टार्टिंग इन द पॉपुलेशन, स्टार्ट पॉपुलेशन कवर। हाउ? द यूरोपियंस बिगिन टू माइग्रेट टू नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया एट वेरी लार्ज स्केल एंड देयरफोर
the population has increased in these continents. यूरोप से लोगों ने मूव करना शुरू कर दिया और इस मूवमेंट को हम माइग्रेशन कहते हैं और इस माइग्रेशन का असर साफ नजर आता है पॉपुलेशन के इंक्रीमेंट में, पॉपुलेशन की ग्रोथ में. सो एज फार एज द पॉपुलेशन ग्रोथ इज कंसर्न, इट हैज टेकन प्लेस इन द ऑल कॉन्टिनेंट्स, बट इट इज फास्टर इन वन कॉन्टिनेंट व्हाइल इट इज स्लोअर इन अदर. अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो जरूरी है, माइग्रेशन तो सीधे सीधे कहता है कि माइग्रेशन की वजह से एक वर्ल्ड का हिस्सा ऐसा है जिसमें पॉपुलेशन बढ़ रही थी और दूसरा ऐसा है कि जिसमें पॉपुलेशन कम हो रही थी. फ्रॉम 1650 टू 1750 नॉर्मल पॉपुलेशन ग्रोथ हैड टेकन प्लेस इन एशिया एंड यूरोप. अगर हम 1650 से 1750 की बात करें बेटा, तो नॉर्मल पॉपुलेशन ग्रोथ थी इस समय एशिया में भी, यूरोप में भी और अफ्रीका में भी, और ये डिक्रीजिंग थी. टिल देन देयर वॉज वेरी लेस पॉपुलेशन फाउंड इन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका टू. और तब तक तो लगभग बहुत कम पॉपुलेशन, हालांकि अमेरिका को 15th सेंचुरी में डिस्कवर कर लिया था, लेकिन जो पॉपुलेशन कवर है अमेरिका का वो बहुत ही कम था. फिर आता है समय 1750 से 1900 का. नाउ द पॉपुलेशन ग्रोथ हैड टेकन प्लेस इन ऑल द कॉन्टिनेंट, बट मोर ग्रोथ वॉज इन एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका. हालांकि वर्ल्ड के सभी हिस्से ऐसे थे जहां 1750 से 1900 के बीच में पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन कुछ कॉन्टिनेंट ऐसे थे जिनमें ये ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा था. एंड दीज कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका. देन वी गेटिंग द पीरियड ऑफ 20th सेंचुरी. द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज इंक्रीज एट अ वेरी हाई रेट in the 20th century, and the highest population growth rate has taken place in North America and Asia. सबसे ज्यादा जो recorded था population growth rate वो दो continents में, एक तो Northern America में और दूसरा Asia में. And in the last 80 years the population of Asia has doubled and the population in North America has increased to 4 times. Strange ना, अगर हम last 80 ईयर्स को कंसिडर करें तो एशिया का पॉपुलेशन डबल हो गया है और नॉर्थ अमेरिका के पॉपुलेशन में 4 गुना वृद्धि हो गई है. इट मीन्स पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैव्स कम डाउन इन यूरोप. और अगर कहीं हम कम की बात करें कि कोई ऐसा भी नेशन है, कोई ऐसा भी कॉन्टिनेंट है जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ कम भी हुआ हो, है ना, यूरोप. यूरोप में अगर हम लास्ट 80 इयर्स को कंसिडर करें तो लगातार पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग है. इट मींस पॉपुलेशन ग्रोथ इज नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल द कॉन्टिनेंट्स. द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज लास्ट 3 सेंचुरीज हैज इंक्रीज टू नियरली 7 times. अगर हम लास्ट 3 सेंचुरी की बात करें, पिछले 300 सालों की बात करें, तो पॉपुलेशन जो है 7 गुना बढ़ी है. एंड बिफोर 3 सेंचुरीज nearly 3/4 population lived in Asia and Europe, and even now too it is about 3/4. पहले भी सबसे ज्यादा population Asia और Europe में थी, और अगर हम आज के भी data देखें तो हमें सबसे ज्यादा population लगभग world के 3/4 population Asia में और Europe में ही मिलेगी, right? Population growth has taken place very rapidly in North and South America too, and the population of North America during 3 centuries has increased by 364 times. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एशिया और यूरोप ही ऐसे कॉन्टिनेंट्स हैं जहां पॉपुलेशन इतना बढ़ा है 300 सालों में और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का और वहीं पाया जाता है. इसमें एक नाम अमेरिकन कॉन्टिनेंट का भी है, और अमेरिकन कॉन्टिनेंट में दोनों तरफ, नॉर्दर्न और साउदर्न दोनों अमेरिकाज में पॉपुलेशन अगर हम इंक्लूडिंग रेट देखें तो 364 टाइम्स इंक्रीज हो गया है in North America and 14 times in South America. And the least growth rate has taken place in Africa, which is only 3 times. सबसे कम growth rate जो है वो African continent में देखने को मिली है. So students, ये तो हमारा पूरा topic था growth पर, population के increase पर अगर population increase होगा तो कुछ problem तो face करनी पड़ेगी.
इन प्रॉब्लम्स के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। ठीक है, तो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पॉपुलेशन की ग्रोथ के इंक्रीज होने के फैक्टर्स देखेंगे कि उसका क्या इम्पेक्ट पड़ता है और क्या कुछ सॉल्यूशंस हैं जो पॉपुलेशन को, बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कम करने में मदद करें। ओके, तो दिस टॉपिक वी कंसिडर इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।